हेलो गाइस, वीरता पे बैंक के एक और शानदार वीडियो में आपका बहुत बहुत वेलकम। आज आपके सामने हाजिर है फ्रेंडी पे की एक और वीडियो लेके। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि फ्रेंडी पे से जब हम पैसा अपने कंट्री भेजते हैं तो उसको पहुंचने में कितनी टाइम आपको लग सकती है। दूसरी चीज़ देखेंगे कि अगर आप फ्रेंडी पे से पैसा भेजना चाहते हैं तो मिनिमम यानी कम से कम आप कितना भेज सकते हैं। और तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है और कई लोग कमेंट करके पूछ भी चुके हैं कि फ्रेंडी पे से जब हम पैसा भेजते हैं तो कैसे हम जाने कि ये पैसा हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है कि नहीं हुआ है। तो इन सब बातों को हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को अपने छोटे से इंट्रो के साथ। ओके गाइस, वेलकम बैक। यहाँ पर हम सबसे पहले फ्रेंडी पे को ओपन कर लेते हैं और सबसे पहले हम देखेंगे कि मिनिमम आप कितना पैसा भेज सकते हैं। यहाँ से हम इसको अनलॉक कर लेते हैं। मेरे फ्रेंडी पे वॉलेट के अंदर अभी सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए मैं 10 रियाल ऐड किया था, तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। लेकिन मिनिमम इसके भेजने की बात करें तो आप 60 रियाल से नीचे नहीं भेज सकते हैं, आपको 60 रियाल से ऊपर चाहिए। तो इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा रियाल को जो ऐड कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 90 रियाल। 90 रियाल लिखने के बाद मैं जैसे ही आगे बढ़ूंगा मुझको जो कार्ड मैं पहले से ऐड किया था उसकी लिस्ट मिल जाएगी। इनमें से मैं अपने कार्ड को जो है सिलेक्ट कर लूँगा। अगर आप सीखना चाहते हैं कैसे यहाँ पे कार्ड ऐड करना है, कैसे यहाँ पे अकाउंट बनाना है, तो मैं सबकी वीडियो बना के रखा हूँ। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, उस प्ले लिस्ट को आप वॉच करके आप सीख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर अकाउंट बनाते हैं, कैसे पैसा ऐड करते हैं। अब यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा पैसा ऐड करके दिखाते हैं, उसके बाद हम सेंड करके आपको दिखाएंगे। यहाँ से मेरा जो कार्ड है वो है अल्लाजी बैंक का, तो अल्लाजी बैंक से एक OTP आएगा, OTP डाल के मैं यहाँ पे सबमिट करूँगा तो यहाँ पे मेरा ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे मैं इसको जब रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पैसा जो है ऐड हो चुका है। तो पहले से 10 रियाल था, 90 रियाल जो है मैं ऐड किया हूँ, तो यहाँ पे 100 रियाल हो गया है। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम ये चल रही है कि मैं 100 रियाल से ज़्यादा यहाँ पे नहीं ऐड कर पा रहा हूँ। तो हम नेक्स्ट वीडियो इसे बनाएंगे कि फ्रेंडी पे के अंदर अगर आप 100 रियाल से ऊपर नहीं ऐड कर पा रहे हैं तो कैसे उसको आप ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा बैलेंस जो है 100 रियाल हो चुका है। तो चलिए हम यहाँ पर आप सेंड करके आपको दिखाते हैं कैसे आप इसको सेंड करेंगे। आपको कुछ नहीं करना, सिंपली ट्रांसफ़र मनी जो है बीच में इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो भी बेनिफिशियरी ऐड किए रहेंगे उसकी लिस्ट मिल जाएगी। बेनिफिशियरी का सेट करना है, मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ, उसको आप देख सकते हैं। इस पर मैं एक बेनिफिशियरी को लेता हूँ। अब कितना अमाउंट सेंड करना है वो यहाँ पे देख लेते हैं। मैं बोला था 60 रियाल से जब कम भेजेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से एरर आएगा। जैसे मैं 50 रियाल दे रहा हूँ तो यहाँ पर ऊपर एक मैसेज आएगा कि मिनिमम आपको 60 रियाल भेजना है। तो कोई भी नया प्लेटफॉर्म रहता है, ये मेरा फंडा है कि मैं ज़्यादा पैसा वहाँ पे नहीं भेजता हूँ। चेक करने के लिए जो मिनिमम होता है मैं वही सेंड करके देखता हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं मैसेज आ रहा था, मैं यहाँ पे 60 रियाल कर देता हूँ मिनिमम। उसके बाद हम नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हो चुका है 20 रियाल 15 पैसा इसका जो रेट मिलेगा। और यहाँ पे हम एक पर्पस सेलेक्ट कर लेंगे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करके। यहाँ पे कोई भी पर्पस आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको सही लगे, लोन हो गया, पर्सनल अकाउंट हो गया। पर्सनल अकाउंट लेके मैं नेक्स्ट करता हूँ, यहाँ पे एक OTP आएगा। सिंपली हम इस OTP को यहाँ पे इंटर कर देंगे। जैसे आप OTP डालेंगे ये फैच कर लेगा, नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिक एनालाइज करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रांजेक्शन जो है सक्सेसफुली हो चुका है और यहाँ 1209 रुपया जो है 46 पैसा मुझको इंडिया के जो भी बैंक अकाउंट रहेगा उसमें पहुँच जाएगा। अकाउंट नंबर भी दे रहा है, IBAN दे रहा है, सब चेक कर लेने के बाद आपको सिंपली डन के बटन पर क्लिक कर देना होगा तो ये आपका अमाउंट जो है सक्सेसफुली जो है यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है कि कैसे हम जानेंगे कि ये अमाउंट पहुँचा कि नहीं पहुँचा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैसेज भी आ चुका कि जो हमारी रेमिटेंस है वो रेडी है, FTN नंबर मिल रहा है और अकाउंट का नाम मिल रहा है वगैरह वगैरह, आप देख सकते हैं पूरी डिटेल। इसके बाद हम चेक करेंगे जो ट्रांसफ़र किए हैं, रेड कलर के हम दे रहे हैं 60 रियाल, इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से पूरी डिटेल मिल जाएगी। जिस तरीके से आप URP के अंदर स्टेटस देखते थे इसी तरह इसमें भी आपको स्टेटस मिलेगा। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि आप कैंसिल नहीं कर सकते। यहाँ पे एक कमी इसकी ये है कि आपको कहीं पे भी कैंसिल करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ऊपर आप देख सकते हैं कि प्रोसेसिंग दे रहा है स्टेटस में, यही जब आपका पेड हो जाएगा वहाँ पे अकाउंट में चला जाएगा तब यहाँ पर आपका प्रोसेसिंग की जगह पेड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर जो मैं पैसा ट्रांसफ़र किया हूँ वो शाम में या रात में भेजा हूँ और वहाँ पे जो क्रेडिट हुआ बैंक अकाउंट में वो अगले दिन सुबह में हुआ। तो मेरे ख्याल से फ्रेंडी पे के अंदर अगर आप पैसा भेजना चाहते हैं तो सुबह में भेजिए, तो हो सकता है कि दिन के अंदर आपका जो है
ट्रांसफर हो जाए। अगर आप रात में भेजेंगे तो सुबह तक का आपका इंतजार करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से ये मैन्युअली होता है, चेक कर करके ट्रांसफर करते हैं, जैसे फावरी के अंदर हो गया तुरंत पैसा नहीं पहुंचता है। तो यहाँ पे जैसे प्रोसेसिंग दे रहा है, मैं आपको अगली वीडियो में दिखाता हूँ अपना दूसरा अकाउंट जहाँ पे ये पैसा जो है क्रेडिट होता है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं अपने दूसरे बैंक में कि अमाउंट कब आया। तो यहाँ पे आपके सामने HDFC बैंक की नेट बैंकिंग है, साथ ही मैं SBI और सारे बैंक को मैं एक जगह पे रखता हूँ। तो मैं यहाँ पे HDFC को ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि अमाउंट कितने बज के कितने मिनट पर आया। सिंपली हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे पासवर्ड डालने के बाद। ये जो अमाउंट मैं ट्रांसफ़र किया था अपने NRO अकाउंट के अंदर किया था, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मेरे पास NRE और NRO अकाउंट दोनों है। तो अगर आपके पास HDFC बैंक में दो अकाउंट है सेम यूज़र आईडी से, तो आप एक ही नेट बैंकिंग के अंदर दोनों को देख सकते हैं। आप देख सकते हैं सेविंग अकाउंट 2 दे रहा है, यानी यहाँ पे दो अकाउंट है। तो मैं इस पर ओपन करता हूँ, यहाँ पे दोनों अकाउंट ओपन हो जाएगा। इसके बाद मैं जिस अकाउंट में भेजा हूँ मैं वो दिखाता हूँ। ये नीचे वाला जो है NRO अकाउंट है और ऊपर वाला NRE है, यहाँ पे लिखा भी है। तो हम नीचे वाले को ओपन करके देखते हैं कि कितने बज के कितने मिनट पे यहाँ पे अमाउंट जो है डिपॉजिट हुआ है। स्टेटमेंट जो है इसका ओपन करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 7 मार्च 2022 को जो है हुआ है, लेकिन यहाँ पे टाइम नहीं देता रहता है। लेकिन मुझको मालूम है, मैं रात में सोने के टाइम तक मैं चेक किया था, अमाउंट जो है यहाँ पे क्रेडिट नहीं हुआ है। यहाँ पे मैं जब सुबह में चेक किया तो यहाँ पे अमाउंट जो है क्रेडिट हो चुका था। तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि अगर आप फ्रेंडी पे के अंदर पैसा भेजते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कितनी टाइम लग सकती है, और किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आपके फ्रेंडी पे का जो अमाउंट है वो ट्रांसफ़र हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर प्रोसेसिंग के अंदर है तो आपको वेट करना पड़ेगा जब तक कि आपके अकाउंट में पहुँच ना जाए और वहाँ पर स्टेटस में आपका पेड ना लिख जाए। तो मुझे उम्मीद है कि ये ट्यूटोरियल और ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा, और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक लीजिए इजाज़त, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।